नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो के थंबनेल में देख पा रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 10 अक्टूबर 2018 की चार बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट भी दिया गया है, जो कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काफी फायदेमंद है। तो आप उन बुक्स को भी देख सकते हैं, अच्छे लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताजा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है वो है जो इस साल का जो तीसरा क्वार्टर है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक चलेगा, उसके लिए जनरल प्रोविडेंट फंड और उसके जैसी जो अदर जनरल सेविंग स्कीम्स हैं उन पर अब आपको दिया जाएगा 8% इंटरेस्ट रेट। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 4 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो कि आपके सामने है। और इसके तहत अब सभी जो जनरल प्रोविडेंट फंड, जैसे कि जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज, उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड इंडिया, ऑल इंडिया प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड डिफेंस सर्विसेज, इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, यानी सभी। और उसके बाद में जो डिफरेंट सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड है उस पर भी, और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, इन सभी पर अगले 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक 8% का ब्याज दिया जाएगा। तो ये तो रही दोस्तों पहली खबर, इसमें काफी फायदा यहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं उनको होने वाला है, जो कि जीपीएफ का फायदा ले रहे हैं। उसके बाद में जो दूसरी खबर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से 8 अक्टूबर 2018 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जो कि आपके सामने है। और इसमें डीओपीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ किसी भी कर्मचारी के द्वारा कोई कंप्लेंट की जाती है और वो उसमें वो अपना नाम नहीं लिखता है, तो उसके खिलाफ कैसे डील की जाएगी उसके बारे में पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर उन्होंने जारी की है। तो हम आपको इस वीडियो में इतना बता देंगे कि यदि किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट ऐसी मिले जिसमें कोई किसी का नाम नहीं हो, यानी कौन कंप्लेंट करने वाला है उसका यदि नाम एड्रेस कुछ भी नहीं है, तो उस कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और उस कंप्लेंट को सिंपली फाइल्ड कर दिया जाएगा। यानी ये यहाँ पर डीओपीटी ने पहले भी इसके बारे में आदेश जारी किए थे और एक बार फिर दोबारा से ये आदेश जारी किए गए हैं कि सभी मंत्रालयों और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये आदेश दिए जाते हैं या फिर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि यदि बिना नाम के कोई कंप्लेंट मिलती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए, चाहे उस कंप्लेंट में कितनी भी सीरियस एलिगेशंस है या फिर आरोप लगाए गए हैं किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ, लेकिन उस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाए और उसको सिंपली फाइल कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट आदेश डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया है, जिसका फायदा काफी सारे कर्मचारियों को मिलने वाला है, अधिकारियों को मिलने वाला है। तो ये रही दूसरी खबर। उसके बाद में जो तीसरी खबर है वो हमारे जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए है, और उनको भी अब बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह वर्ष 2017-18 का जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है उसकी घोषणा कर दी गई है। और इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से आज यानी कि 10 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर दिए गए हैं, और इसमें इन्होंने लगभग 78 यानी 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है, जिसका भुगतान सभी जो रेलवे के नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज यानी ग्रुप सी एम्प्लॉयज और ग्रुप बी के जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज हैं उनको इस नॉट सॉरी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान किया जाएगा। और ये लगभग उन्हें किया जाएगा 17,951 रुपये, यानी 18,000 के आसपास यहाँ पर सभी रेलवे कर्मचारियों की दिवाली अच्छे से मनेगी। और साथ में ही जो ऐसे सभी रेलवे के पेंशनर्स जो कि 31 मार्च 2018 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम 6 महीने की सर्विस पिछले साल 2017-18 में कंप्लीट कर ली है, उनको भी जितने महीने तक की उन्होंने नौकरी की है उसका उन्हें बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, और उनको वर्ष 2017-18 के लिए 17,951 रुपये यानी 18,000 के आसपास प्रोडक्टिविटी लिंक्ड का भुगतान किया जाएगा, और उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद में जो चौथी खबर है वो हमारे वरिष्ठ नागरिक या फिर जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनके लिए है, और उनको जुलाई 2018 से मिलने वाले जो डीएनएस रिलीफ है या फिर महंगाई भत्ता है
उसकी भुगतान करने के संबंध में रेलवे बोर्ड की तरफ से 8 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर दिए गए हैं, और उनका भी जो महंगाई भत्ता है वो 1 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 9% कर दिया गया, जो कि उन्हें पहले मिल रहा था बाकी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की तरह 7% ही, उसको बढ़ाकर अब यहाँ पर 9% कर दिया गया है। तो रेलवे पेंशनर्स के लिए भी और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि उनको भी अब बाकी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के तरह उनकी बेसिक पेंशन का 9% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं जो खबर आपको इस वीडियो में दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उन तक ये खबर पहुंच सके। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं, अच्छी लगे तो आप उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।